सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू पोकेमोन अपडेट वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन के रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट के बारे में। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि पोकेमोन मास्टर जेनिस जो कि अभी चल रहा है भाई वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो उसमें गाइस काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ डॉन की, तो या मतलब इस बार कुछ तबाही लेवल का काम पोकेमोन कंपनी करने वाली है। और तुम लोग सोच रहे हो यार क्या ही काम है भाई, ब्रॉक रिटर्न हो रहा है, तो छोटी बात रख रही है क्या? हाँ गाइज, हाँ ब्रॉक का रिटर्न हो रहा है, सब कुछ मैं बताऊंगा तुम्हें वीडियो में, ठीक है, एंड तक वीडियो को देखो। और या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, हमें आगे बढ़ना है, और वीडियो को लाइक करो, 10 लाइक्स का टारगेट है, ओके। और अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्कॉर्ड पे पहले ही बात बता दी थी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन, ठीक है। तो ब्रॉक जो कि हमारा एक काफ़ी अच्छा पोकेमॉन डॉक्टर बनने वाला है, तो हमें देखने को मिलने वाला है कि वो डॉक्टर में कितने बड़ी डिग्री पा चुका है, सिग्मा रूल नंबर 423 डिग्री जाए भाड़ में, ओके। तो हाँ, तो हाँ बिल्कुल गाइस, ब्रॉक काफ़ी अच्छा डॉक्टर बनने वाला है, लेकिन क्या क्या होने वाला है भाई, वो लीक्स अभी तक आए नहीं है, ठीक है। लेजेंड आर्सेस के प्रमोशन के लिए डॉन, ब्रॉक और एश को फिर से सिनो के भाई ट्रियो को लाया जा रहा है, ओके। और यही चीज़ थी है, मतलब सिर्फ लेजेंड आर्सेस की वजह से ये सब काम हो रहा है, ज़्यादा खुश मत हो जाओ, ओके। तो ब्रॉक का रिटर्न तो होगा, लेकिन किस एपिसोड में होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी के लीक्स में नहीं लिखे गए हैं। तो एक बंदे ने लीक किया था, और हाँ भाई ब्रॉक का रिटर्न होगा, इसके कुछ इमेजेस भी उसने लीक किए थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैं उन्हें डिस्कॉर्ड पे डेफिनेटली भाई 5 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा, ओके। दरअसल मैं अभी थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पर, इसीलिए मैं उसे डिस्कॉर्ड पे अपलोड करूँगा। और उसके साथ ही साथ गाइस एक दिक्कत है, उसमें स्ट्राइक वगैरह आने का इश्यू है, तो इसीलिए मैंने उसे डिस्कॉर्ड पे अपलोड करने का सोचा है। और जिस बंदे ने लीक किए हैं उसने ब्रॉक और आयरिस के टाइम भी उसी ने ही लीक किया था, तो होपफुली ये सच हो, लेकिन मैं इसे 95% या 96% ही भाई सच मानने वाला हूँ। और ठीक है, 2-3% में मुझे नहीं लगता ब्रॉक का रिटर्न इतनी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यार डेफिनेटली वो एक पोकेमॉन डॉक्टर बनने के सफर में है। और उसके साथ जब सनान मून में उसका रिटर्न हुआ था तब वो काफ़ी सही बन चुका था डेफिनेटली, तो उसने क्या इंप्रूवमेंट किया है सब कुछ हम बात करने वाले हैं। कुछ और दिन इंतज़ार करो, ताकि जब तक मुझे लीक मिल जाए मैं तुम्हें सबसे पहले फटाक से अपडेट कर दूँ, ठीक है। और यही वो लीक्स थे जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था, ठीक है। ब्रॉक के साथ और कोई कैरेक्टर जस्ट लाइक मिस्टी और कोई नहीं आने वाली है, ठीक है, सिर्फ डॉन, एश, ब्रॉक, गो एंड क्लोई यही होने वाले हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि क्या ब्रॉक के कुछ पोकेमॉन हमें देखने को मिल सकते हैं, यार डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, ब्रॉक का स्टीलिक्स हमें देखने को मिल सकता है, और किसके पोकेमॉन की गारंटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। मतलब बस इतना ही भाई लीक था जो कि मुझे तुम लोगों को बताना था। और हाँ, कुछ और अपडेट्स आई हैं, जैसे कि लेजेंड आर्सेस के लिए कुछ लेजेंड आर्सेस की जो पोकेबॉल्स गेम्स में यूज होने वाले हैं उन्हें एनिमे में भी दिखाया जाएगा, उनके कॉस्ट्यूम्स भी हमें दिखाए जाएंगे। यही 3 अपडेट्स थे जो कि एनिमे को वो यूज़ कर भाई कुछ तगड़े लेवल का प्रमोशन करेंगे। ठीक है, आज के अपडेट वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स एक्सट्रीम शाइनिंग आउट।